Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बाहुबलियों में बड़ा नाम शुमार, मुख्तार अंसारी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस कड़ी में बाहुबली मुख्तार अंसारी एक और मामले में पूरे फंसते नजर आ रहे हैं। जी हां, बात करें तो बाहुबली के तौर पर जाने जाने वाले मुख्तार अंसारी बेनामी संपत्तियों की आयकर जांच में फंसते जा रहे हैं। बीते दिन उसमें हुई पूछताछ में उन्होंने इन संपत्तियों से कोई भी वास्ता होने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि उनके करीबी गणेश दत्त मिश्रा से पूछताछ के बाद हुई जांच में बेनामी संपत्तियों की खरीद फरोख्त में मुख्तार, उनकी पत्नी अफंसा और बेटे अब्बास की स्पष्ट भूमिका सामने आ रही है। जल्द ही आयकर विभाग मुख्तार की गाजीपुर, मऊ, वाराणसी और लखनऊ की 20 बेनामी संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में है। आयकर विभाग ने बाहुबली मुख्तार अंसारी से पूछताछ और जांच की रिपोर्ट नई दिल्ली मुख्यालय भेज दिया है। इस रिपोर्ट में मुख्तार अंसारी के साले अतीफ रजा की बात कर लें, करीबी गणेश दत्त मिश्रा से हुई पूछताछ का ब्यौरा भी दिया गया है। गणेश दत्त मिश्रा से हुई पूछताछ में उनके बैंक खातों में सुभाषपा विधायक और मुख्तार अंसारी के पुत्र अब्बास अंसारी के खाते में दो बार में 40-40 लाख रुपए भेजने का ब्यौरा भी दिया गया है। हालांकि उन्होंने कहा कि यह लेन देन अतीफ रजा के कहने पर किया गया था। साथ ही अतीफ के इशारे पर मऊ में एक जमीन भी अब्बास को दिलाने में पुष्टि की जांच हुई है। उसने कबूला है कि अतीफ रजा के कहने पर ही उसने मुख्तार अंसारी, अफसा अंसारी और अब्बास अंसारी के साथ वित्तीय लेन देन किया था। हाल ही में लखनऊ के डालीबाग स्थित जिस बेनामी संपत्ति को आयकर विभाग ने जब्त किया है, वो भी अतीफ रजा के माध्यम से खरीदी गई थी। अब बात करें तो मुख्तार अंसारी का पेंशन से गुजारा चल रहा है। बीते दिनों बांदा जेल में आयकर विभाग की पूछताछ में मुख्तार अंसारी ने बयान दिया था कि उनकी आधी जिंदगी जेल में गुजर चुकी है, उनका कोई भी कारोबार नहीं है। पहले उन्हें विधायक होने पर सरकार तनख्वाह मिलती थी, अब पेंशन मिल रही है। पारिवारिक फॉर्म विकास कंस्ट्रक्शन के नाम पर खरीदी गई संपत्तियों पर कहा कि इससे उनका कोई भी नाता नहीं है, उनका साला अतीफ रजा ही उनकी पत्नी का सारा कारोबार रखता है, वहीं इसके बारे में बता सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बाहुबली मुख्तार अंसारी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बाकी इस मसले को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।